नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बर्डिंग करते हुए सबसे पहले हमें ये हमको लग रहा है कि लॉन्ग टेल्ड मिनीबट का मेल है। यस, दिस हैज़ टू बी अ लॉन्ग टेल्ड मिनीबट का मेल। ऐसा लग रहा है कि एडल्ट है, इमैच्योर भी हो सकता है क्योंकि थोड़ा दूर है, तो इसको कंफर्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट दिस इज़ अ मेल ऑफ ईदर लॉन्ग टेल्ड और अ स्कारलेट, बट आई थिंक ये श्योर है कि ये लॉन्ग टेल्ड का ही मेल है। आप लॉन्ग टेल्ड और स्कारलेट में डिफरेंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो लॉन्ग टेल्ड होता है उसके अगर आप पूंछ देखेंगे, उसमें जो कालापन होता है ज़्यादा होता है, और जो स्कारलेट होता है उसका जो पीछे पूंछ में जो काला जो पैच है वो काफ़ी कम होता है। स्कारलेट थोड़ी सी आपको गर्म जगहों में दिखती है और लॉन्ग टेल्ड ठंडे इलाकों में भी काफ़ी मात्रा में दिख जाती है। सो दिस हैज टू बी अ मेल ऑफ अ लॉन्ग टेल्ड मिनीबट। तो दोस्तों, आज जब से 15 अगस्त हुआ है, 15 अगस्त के बाद बहुत दिनों तक, इनफैक्ट पिछले 7 या 8-10 दिनों तक बहुत ही तेज़ बारिश हुई है, जिस कारण अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते तक हम बर्डिंग भी नहीं कर पाए। आज मौसम खुला है बहुत दिनों बाद एंड बहुत ही प्यारा मौसम बना है आज, जिसको हम भादों का मौसम कहते हैं वो आज बना है इतने दिनों के बाद। आपने लॉन्ग टेल मिनीबट को देख ही लिया होगा, फिर थोड़ी सी बकवास की मैंने अपनी ग्रे ब्रेस्टेड प्रिनिया के बारे में। तो दोस्तों, सामने इस पेड़ पे आप एक प्रिनिया को देख रहे हैं। इस प्रिनिया का नाम ग्रे ब्रेस्टेड प्रिनिया है। लाइट बहुत ही हार्श है, बट मैं आपसे एक इमेज शेयर करूँगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इसका नाम ग्रे ब्रेस्टेड प्रिनिया इसलिए है क्योंकि जो इसकी ब्रेस्ट है इस पे ग्रे कलर का पैच है, या फिर इसकी जो ब्रेस्ट है उस पे ग्रेश कलर है। बहुत ही छोटी सी प्रिनिया है। मोस्टली जो प्रिनिया होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं, उनकी पूंछ काफ़ी लंबी होती है, बट ये जो प्रिनिया है ये कंपैरेटिवली साइज़ में छोटी होती है। एंड बाकी प्रिनियाओं को मैंने नॉर्मली अकेले देखा है, लेकिन जो एक ग्रे ब्रेस्टेड प्रिनिया है इसको मैंने ब्रीडिंग के अलावा हमेशा फ्लॉक्स में देखा है। ग्रे ब्रेस्टेड प्रिनिया को खेतों के आसपास रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब ब्रीडिंग के टाइम पर नहीं होती हैं, जब ये फ्लॉक में होती हैं तो खेतों के आसपास इन्हें बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। आई थिंक पूरे इंडिया में मिलती है बर्ड, और इस एरिया में पाई जाने वाली दो प्रिनियाओं में से एक है। पहली है तो ये ग्रे ब्रेस्टेड प्रिनिया, और दूसरी प्रिनिया है अपनी जो मैंने देखी है अब तक, और भी हो सकती हैं, बट तो दूसरी वाली है, दैट इज़ द स्ट्राइटेड प्रिनिया। स्ट्राइटेड प्रिनिया के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। लाइट बहुत ज़्यादा हार्श हो गई है, लेकिन दिस ट्री स्टैंडिंग आउट वेरी डिस्टिंक्टली अगेंस्ट दैट ब्लैक माउंटेन इन द बैकग्राउंड। सो दिस इज द ग्रे ब्रेस्टेड प्रिनिया। ग्रे ब्रेस्टेड प्रिनिया यहाँ पे रेसिडेंट है एंड ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे करती होगी हो, लेकिन मोस्टली इट इज इन दिस रेंज।
और जो लॉन्ग टेल मिनिवेट है वो एक समर विजिटर है। सर्दियों में दिखती तो है वैसे, लेकिन बहुत कम दिखती है। लेकिन जो उनकी बड़े बड़े फ्लॉक्स दिखते हैं, लाइक सर्दियों में आपको इक्के दुक्के दिख जाते हैं लॉन्ग टेल मिनिवेट, लेकिन जो उनके फ्लॉक्स दिखते हैं मेल फीमेल के बड़े बड़े 15 से 20 इंडिविजुअल्स वाले, वो आपको स्प्रिंग टाइम से दिखने शुरू होते हैं। स्प्रिंग एंड समर्स में आप ब्रीड करते हैं इस रेंज में, वट एवर बी द रेंज, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। एंड देन फिर अब उनके बच्चे हो गए हैं, अब थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा होना भी शुरू हो रहा है। अब जो धूप लग रही है जला नहीं रही है स्किन को, अब थोड़ी अच्छी अच्छी लग रही है। तो अब जैसे जैसे थोड़ी ठंडी बढ़ेगी तो अगेन दिस मिनिवेट्स यहाँ से गायब हो जाएंगे। एंड अगेन जब अगला समर आएगा सो दे विल कम बैक टू द माउंटेन्स टू ब्रीड। बरसात के मौसम में जब आप बर्डिंग करते हैं तो फॉरेस्ट में आते हैं तो जोंक लगना बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन मैं आपको आज एक आई थिंक वो रामबाण इलाज है जोंक के काटने का। अगर आपको जोंक काटते हैं पहाड़ों में तो ये बहुत ही बढ़िया इलाज है। यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये कहाँ गया मेरा पैर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक जोंक लगी हुई है। इस जोंक ने काफ़ी मात्रा में जो है खून चूस लिया है, तो मैं उसको निकालूंगा और वहाँ से खून की धारा निकलेगी। तो यहाँ पर जो है एक प्लांट है जिसको हम लोकल भाषा में बश्या बोलते हैं, एंड इट इज़ सपोज टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ, जैसे जोंक काटता है तो बिकॉज उसको खून चूसना होता है तो वो उसके जो लार होती है उसमें एक एंटी कोएगुलेंट होता है, तो बेसिकली जिससे जो क्लॉटिंग की प्रक्रिया होती है वो बहुत स्लो आ जाती है। तो जब मैं इसको निकालूंगा जोंक को तो वहाँ से खून की धाराएं निकलेंगी और बहुत देर तक निकलती हैं वो। तो आई होप कि एक पौधा है यहाँ पे, इस पौधे को बश्या बोलते हैं हम। ये यहाँ पर वीड है, सब जगह बश्या दिख रहा होगा आपको। तो इसके रस को मसल के अगर आप उस पर लगाएंगे तो खून तो आएगा लेकिन बहुत जल्दी वो खून आना जो है कम हो जाना चाहिए। तो आज वो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम। तो दोस्तों ये बश्या है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे पत्ते तोड़ते हैं हम, इतने पत्ते आई थिंक सफिशिएंट होने चाहिए, आई होप। उसके बाद हम इसको मलेंगे, मलने से पहले हमको जोंक निकालनी पड़ेगी जोंक का। तो अब हम जो है इस जोंक को निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इस जोंक ने काफ़ी सारा खून चूस लिया है मेरा। तो दोस्तों अभी मैंने इस बच्चे, आप देख रहे होंगे इसको मल दिया है, इसका जो है हल्का हल्का जूस भी निकलने लगा है। अब इस जूस को हम लगाएंगे इस पॉट पे जहाँ पे उसने काटा था, और ऐसा कहते हैं क्यों दंती है ऐसी कि इसको यहाँ पे लगाने से जो है जो खून 10 मिनट में रुकना था वो शायद एक दो मिनट रुक जाएगा। तो हम अब लगा दिया है हमने और थोड़ी देर में दोबारा चेक करते हैं उसको। तो दोस्तों जब जोंक ने काटा था तो उस टाइम पर टाइम हो रहा था 8:43 AM, अब टाइम हो रहा है 8:51 AM, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे शायद कि ब्लड जो है थोड़ा थोड़ा आ तो रहा है, बट अगर ये नहीं लगाया होता मैंने तो जो ब्लड निकलता है उसके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा निकलता है और कुछ देर के बाद ये खून यहीं पे सूख जाएगा। लेकिन अगर हम इसको नहीं लगाएंगे तो बहुत देर तक वो खून बहता रहता है। तो नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि अगर आपके हाथ में कोई कट लग गया, अगर या फिर कहीं से जंगल में से कटवट लग गया आपको, तो बशे अगर आप लाएंगे तो जो खून का निकलने की मात्रा है उसको बहुत जल्दी वो कम कर देता है। तो कभी जंगल में आओ तो ऐसा एक्सपेरिमेंट, आप कभी आपको हुए तो फिर ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लगभग इस ऑल्टीट्यूड पे सब जगह होता है, बहुत ऊपर तो नहीं होता हो लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली होता है। लेकिन ये वही बात है कि आपको पता होना चाहिए कौन सा पत्ता है, क्योंकि गलत पत्ता लगाने से गलत रिएक्शन भी हो सकता है। लेकिन बशिया काफ़ी कॉमन है और मैं आपसे एक फ़ोटो शेयर करूँगा उसकी, क्लोजअप फ़ोटो अगर आप, बट दिस इज़ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको लग रहा है कि पता है तभी शेयर करना, तभी इसको यूज़ करना, अदरवाइज ऐसा ना कुछ और लगा दें, गलत रिएक्शन भी हो सकता है। तो दोस्तों आई थिंक इसी जोंक के लेसन के साथ हमें इस ब्लॉग को आज ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत बकवास कर ली मैंने आज। आज बर्डिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, हमको सिर्फ 2 ही स्पीशीज़ दिखी, बाकी मौसम तो आपने देख ही लिया था, बहुत सुंदर था आज, सुंदर है मतलब, और सुबह भी सुंदर था। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, किसी और ब्लॉग में। और सामने चौखंबा पे जो फ्रेश फ्रेश बर्फ़ है वो फॉर्चुनेटली हर दिन पड़ी रही है, तो इसी वजह से मौसम अब थोड़ा थोड़ा ठंडा भी होने लग गया है। तो मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।